वेटरन एक्टर दिलीप कुमार की हिंदुजा हॉस्पिटल में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 98। दिलीप कुमार को लास्ट वेंसडे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था आफ्टर कंप्लेनिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस। ये दूसरी बार था कि उन्हें इसी महीने में सेम इशू की वजह से एडमिट करवाया गया था। डॉक्टर ने बताया ही पास्ड अवे ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एट 7:30 AM। इसके अलावा दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल पर उनके फ्रेंड फैजल फारूकी ने एक ट्वीट करते हुए ये न्यूज सभी के साथ शेयर की और लिखा, विद अ हैवी हार्ट एंड प्रोफाउंड ग्रीफ आई अनाउंस द पासिंग अवे ऑफ आवर बिलवड दिलीप साहब। फ्यू मिनट्स अगो वी आर फ्रॉम गॉड एंड टू हिम वी रिटर्न। फैजल फारूकी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, दिलीप कुमार जी विल बी रिमेम्बर्ड एज अ सिनेमेटिक लेजेंड। He was blessed with unparalleled brilliance due to which audiences across generations were enthralled. His passing away is a loss to our cultural world. Condolences to his family, friends and innumerable admirers. RIP. आपको बता दें दिलीप कुमार का रियल नेम यूसुफ खान है और इंडियन सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं भूल पाएगा। वो अपने पीछे 6 decades की लेगेसी छोड़ के गए हैं और इंडियन सिनेमा में उन्होंने कई आइकॉनिक फिल्में की हैं जो लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखने वाले हैं।